वकील एपी सिंह का धूर्तता से भरा जीवन परिचय। एक वकील का काम होता है सही और तथ्यात्मक जानकारी को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत और न्यायिक तौर से मीडिया और जनता के सामने पहुंचाना। लेकिन जब एक वकील अपने आप को न्याय के मंदिर से भी ऊपर मानने लगे और कोर्ट से पहले ही खुद जजमेंट देने लगे, तो ये समूचे न्याय और बार काउंसिल के नियमों का बहुत ही कड़ा अपमान कहलाएगा। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर यानी कि एडवोकेट से परिचय कराते हैं, जिनका नाम है एपी सिंह। आइए सबसे पहले आपको इनके कुछ चर्चित केस से अवगत करा देते हैं। ये वही जनाब हैं जिन्होंने दिल्ली के निर्भया केस में संलिप्त मुजरिमों का मुकदमा लड़ा था, जिससे कि पूरे देश में इन्हीं वकील एपी सिंह की भारी थू-थू हुई थी और बार बार काउंसिल के नोटिस के साथ जुर्माना भी लगा था। विवादित बयानों की श्रृंखला में इन्होंने ये भी कहा था कि यदि मेरी बेटी रात को 12 बजे के बाद किसी मित्र के साथ बाहर जाती है तो मैं खुद उसकी हत्या कर देता। 21वीं सदी में जब एक न्याय व्यवस्था से जुड़ा व्यक्ति ऐसी घिनौनी बात कर सकता है, तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे न्याय के ठेकेदार बने लोगों से किस न्याय की उम्मीद की जा सकती है। और तो और, इन्होंने मीडिया के सामने निर्भया की माँ को देख लेने की धमकी भी दी थी। अंत में निर्भया के दोषियों को फांसी हुई और कोर्ट ने वकील साहब को न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने, फांसी की तारीख को आगे बढ़ाने और दोषियों को दांव पेच लगाकर बचाने के लिए फटकार भी लगाई थी। आइए इनके दूसरे सबसे चर्चित केस डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की ओर बढ़ते हैं। राम रहीम के केस की पैरवी भी इन्होंने ही की थी और इस केस से भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और ये अपनी लाख कोशिशों के बाद भी राम रहीम को न्याय नहीं दिला पाए थे। आशाराम से संबंधित एक इंटरव्यू में इन्होंने इस केस को मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया था और मीडिया को ही दोषी ठहराया था। कोर्ट के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने ये जनाब ऐसी ऐसी दलीलें प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये केस जीत ही जाएंगे, लेकिन अंत में इनके मुवक्किल को जेल ही नसीब होती है। दोस्तों अब थोड़ा आगे चलते हैं। बहुचर्चित रामपाल केस की पैरवी भी इन्होंने ही की थी। मीडिया दलील से लगता था कि कोर्ट का फैसला वकील साहब के पक्ष में ही होगा, और तो और जिन्हें ये बचा भी सकते थे, लेकिन उन्हें वहां भी मुंह की ही खानी पड़ी थी। खैर, इनकी हार की फहरिस्त बड़ी लंबी है। हाल ही में इन्होंने गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या के ऊपर चल रहे षड्यंत्रों में तथाकथित पीड़ित का केस भी अपने हाथों में लिया था। उससे भी ये कहीं से कहीं तक सफल होते नहीं नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है जिसमें ये वकील साहब मीडिया के सामने फिर से और अब तो न्यायिक जांच को भी कटघरे में शामिल करने पर तुले हैं। जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंप्लेंट के हुए विक्टिम के हुए मैंने एप्लीकेशन मूव की थी विक्टिम की तरफ से, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद बयान ली 164 के रिकॉर्ड की, जब रिकॉर्ड हो गए उसके बयान, उसमें न्याय इम्प्रूवमेंट क्या होता है देखिए किस तरह से डॉक्टर प्रणव पांड्या उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश की जो उन्हें लिबर्टी दी गई है, जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, उसी खामोश है, पूरी तरह से चुप है, साइलेंट है, स्टेट प्रभावित कर रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन है, उनकी राजनीति में बहुत पकड़ है, बहुत पहुंच है और धन बल जन बल का प्रभाव है। हमें इन्हीं सब बातों के लिए जब स्टेट ने और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट की जाए, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम कोई ऐसा आदेश नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो, ये हो, इसका मतलब कोर्ट कभी भी जांच को प्रभावित करना नहीं चाहती। जांच जिस तरह से स्मूथली आराम से जिस तरह जांच अधिकारी करें, लेकिन हमें उन जांचों पर भी थोड़ा इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी तक ना तो इन्हें मीडिया के सामने कोर्ट की और कोर्ट के सामने मीडिया की अवमानना करने की नाकाम कोशिश करते हुए भी बिल्कुल शर्म नहीं आती। कोर्ट के फैसले से विक्षिप्त वकील साहब गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या को कोर्ट के फैसले से पहले ही आरोपी बता रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। जब तक कि कोर्ट किसी मामले पर अपना निर्णय नहीं लेता, तब तक कोई भी वकील पब्लिकली और मीडिया में ऐसे बयान आखिर कैसे दे सकता है। लगता है वकील साहब को यह जानकारी भी नहीं है कि ऐसा करने से स्वयं वकील बाबू पर ही बार काउंसिल के द्वारा लीगली एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इन्हें इसकी भी परवाह नहीं है क्योंकि ये जनाब ऐसे नोटिस के आदी हो चुके हैं।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी और पीड़ित लड़की के बयान के अनुसार 2010 में अपराध हुआ और FIR हुई, अब वो भी दिल्ली में दर्ज कराई गई। तो इतने साल से वो लड़की चुप क्यों थी? क्या वो किसी बहकावे में आकर किसी साजिश का हिस्सा बन रही है, जिसके सूत्रधार कोई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जिनका काम सिर्फ प्रतिष्ठित लोगों पर ऐसे आरोप लगाकर हिंदू धर्म के रक्षक और वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट पहचान बना चुके डॉक्टर प्रणव पांड्या की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई है कि लड़की के माता पिता और परिजनों को लड़की के साथ हुए अपराध की ना तो खबर है और ना ही अभी तक ऐसी किसी जानकारी से पीड़ित ने परिजनों को अवगत कराया है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर ऐसा जान पड़ता है कि ये केस भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के अलावा और कुछ भी करता हुआ नहीं दिखाई देता। सिर्फ मीडिया में ही बने रहना और मीडिया में ही केस लड़ना इन जनाब का पेशा बन गया है। फैसला आगे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस केस को भी ऐसा हाई प्रोफाइल बनाकर वकील साहब सिर्फ सुर्खियां ही बटोर रहे हैं, जिसका परिणाम भी बाकी केस की तरह दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इन जनाब के बारे में क्या विचार हैं? कृपया अपने बहुमूल्य कमेंट्स द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से भर दीजिए और बताइए कि आपके क्या विचार हैं। दोस्तों, हम आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए कमेंट तो जरूर करिएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।